नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े के बारे में हर कोई जानता है। सालों पहले एक फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि फ्लाइट में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि कपिल शर्मा ने सुनील पर जूता फेंककर मार दिया था। इस झगड़े के बाद सुनील ग्रोवर ने न सिर्फ कपिल शर्मा से बात करना बंद कर दिया था, बल्कि एक्टर ने कपिल का शो भी छोड़ दिया था। कपिल के शो में सुनील को वापस लाने के लिए मेकर्स से लेकर सलमान खान तक ने कोशिश की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसा कहा जाता है कि अपने बर्ताव के लिए कपिल ने माफी भी मांगी थी, लेकिन तब भी सुनील ने शो में एंट्री नहीं की थी। वहीं अब सुनील ग्रोवर ने 6 साल पुराने झगड़े को पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। आखिर सुनील ने ऐसा क्या कहा, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल सुनील ग्रोवर इन दिनों अपने वेब सीरीज सनफ्लावर को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं हाल ही में सुनील ग्रोवर ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिया इंटरव्यू में कपिल संग अपने झगड़े और उनके साथ आने वाले अपने शो पर बात। बता दें कि 6 साल पहले कपिल और सुनील के बीच हुए झगड़े की वजह से दोनों एक साथ काम करने से बच रहे थे, लेकिन अब वो दोनों फिर से एक साथ काम करते नजर आने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सुनील से पूछा गया था कि क्या सुनील ग्रोवर लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, और इस स्वभाव के चलते ही उन्होंने कपिल के साथ दोबारा काम करने के लिए हाँ कहा है। सवाल का जवाब देते हुए सुनील ग्रोवर ने कहा, जी हाँ, हमारा शो आ रहा है और कपिल के साथ मैं फिर से काम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि लोगों को ये शो पसंद आएगा। यहाँ पर बात ये नहीं है कि किसने किसे माफ किया। सच कहूँ तो 6 साल पहले हमने जो किया था वो एक पब्लिसिटी स्टंट था, ताकि हम ये शो लॉन्च कर सकें। बता दें कि साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट में कपिल और सुनील के बीच झगड़ा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई थी। हालांकि बाद में कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए सुनील से माफी मांग ली थी। कपिल ने कहा था, पाजी सुनील, मुझे माफ कर दीजिए अगर अनजाने में मैंने आपको परेशान किया हो। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बता दें कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर दोनों ही नेटफ्लिक्स पर एक कॉमेडी शो लेकर आने वाले हैं। वैसे दोनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चाओं में बने हुए हैं, जहां कपिल शर्मा जल्द ही करीना तब्बू और प्रीति सैनन के साथ फिल्म द क्रू में दिखाई देंगे। वहीं सुनील ग्रोवर अपनी वेब सीरीज सनफ्लावर को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। वैसे आप सुनील और कपिल को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड है दोबारा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।